नमस्कार स्टूडेंट्स, वाइवा ऑन थोरेसिक वर्टिब्री के पहले वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं थोरेसिक वर्टिब्री पर आधारित वाइवा के संबंध में दो वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला हूं। ये पहला वीडियो है जिसमें हम थोरेसिक वर्टिब्रा, जो कि टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, उन पर क्या क्या वाइवा एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम सेकंड वीडियो में, जो कि मैं इसके बाद ही रिकॉर्ड करने वाला हूं, उसमें हम एटिपिकल वर्टिब्री के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे। ये जो डायग्राम्स या इलस्ट्रेशंस हैं, इन्हें मैंने ग्रैंड एटलस ऑफ एनाटॉमी से लिया है, जो कि मेरे द्वारा ही एडिटेड है, और ये एक बहुत ही अच्छा एटलस है। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो लाइब्रेरी में जाकर देखिए, आप निश्चित रूप से इसे बहुत ही पसंद करेंगे। अगर हम थोरेसिक वर्टिब्री के बारे में देखें तो एग्जामिनर यूजली आपसे ये कहता है कि आप ये क्लासिफाई करिए कि थोरेसिक वर्टिब्रा को हम टिपिकल और एटिपिकल वर्टिब्री में किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। आप कहिए कि थोरेसिक वर्टिब्रा टिपिकल होती हैं T2 से लेकर T9, दैट मीन्स थोरेसिक सेकंड से लेकर थोरेसिक नवी वर्टिब्रा टिपिकल वर्टिब्रा कहलाती हैं, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर हैं या एनाटॉमिकल फीचर्स हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं और उनको पहचानने में आसानी होती है, इसलिए हम उनको टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। किंतु दूसरे क्लास में हम देखेंगे कि एटिपिकल वर्टिब्रा होती हैं, जैसे कि T1, जो कि दूसरों से अलग है। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे अलग है। फिर दूसरी एटिपिकल वर्टिब्री होती है T10, T11 एंड T12। इस तरह से T1, T10 से लेके T12, ये चार वर्टिब्रा एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा कहलाती हैं। इन एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा के कैरेक्टरिस्टिक या उनके विशेषताएं पहचानने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम टिपिकल वर्टिब्रा के बारे में बात करेंगे। जब भी आपको एग्जामिनर कहता है कि आप कोई भी टिपिकल वर्टिब्रा उठा लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको T2 से T9 के बीच की ही वर्टिब्रा उठानी है। वो आप कैसे पहचानोगे कि ये T2 से लेके T9 के बीच की वर्टिब्रा है। हमेशा वर्टिब्रा जो थोरेसिक हैं उनकी साइड में देखिए, बॉडी के जब पीछे के वो पोर्शन में आपको अपर बॉर्डर ऑफ बॉडी और लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी के पास छोटे छोटे फैसेट दिखाई देंगे, और ये छोटे फैसेट हम इन्हें कभी कभी डेमी फैसेट भी बोलते हैं, और वो हेड ऑफ द रिब के आर्टिकुलेशन के कारण बनते हैं। ये डेमी फैसेट वर्टिब्रा की, टिपिकल वर्टिब्रा की विशेषता है। ये T2 से लेकर के T9 तक जरूर मिलेंगे, ऊपर की बॉर्डर की तरफ और नीचे की बॉर्डर। उसी तरह आप देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस की तरफ, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस की एंटीरियर सरफेस पे टिप के पास एक ओवल फैसेट मिलेगा, और ये फैसेट भी रिब के ट्यूबरकल के साथ आर्टिकुलेट करता है। इस तरह ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होते हैं, जिससे कि आप टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा को पहचान के बता सकते हो कि ये टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री है। पहले तो आपको पहचानना होगा ऑफ कोर्स कि ये थोरेसिक है, सर्वाइकल है या लंबर है। इसलिए ये फैसेट अगर जहाँ प्रेजेंट हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी की अपर और लोअर मार्जिन पे, तो आप इन्हें कह सकते हो कि ये थोरेसिक वर्टिब्रा है और टिपिकल है। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं 12 वर्टिब्री हैं। इसमें पहली वर्टिब्री जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, वो एटिपिकल है। उसी तरह नीचे की तीन वर्टिब्रा को छोड़ दीजिए, T10, T11 एंड T12। बाकी के बीच की T2 से लेकर के T9 तक की ये वर्टिब्रा सब एक दूसरे के समान होती हैं, इसलिए इन्हें हम टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। उसी तरह अगर आप ऊपर से देखें तो ये
T2 से लेकर के T9 तक की ये वर्टिब्रा हैं, T2, T3, T4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इनका जो फीचर्स है वो लगभग सब में एक जैसा होता है। बाकी की T1 और T12, आई मीन से T10, 11 एंड 12 ये एटिपिकल वर्टिब्रा होती हैं। अब आप फीचर्स पूछेगा एग्जामिनर कि आपने कह तो दिया कि T2 से लेकर के T9 की टिपिकल है, पर आपके कहने का आधार क्या था, आपने क्यों कहा कि ये टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा कहें। तब आप पहला क्वेश्चन, आप पहला आंसर ये दीजिए कि अगर हम बॉडी को ऊपर से या नीचे से की तरफ से, इन्फीरियर या सुपीरियर सरफेस से कोई भी टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी को देखेंगे तो वो हार्ट शेप होगी। देखिए यहाँ पर ये बॉडी हार्ट शेप है, इस डायग्राम में उतनी हार्ट शेप नहीं है, पर ये जो रियल वर्टिब्रा का जो डायग्राम है ये बॉडी हार्ट शेप होती है। इस पर आप कह सकते हो कि ये फीचर है एक टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा का। फिर आप पेडिकल पर आ जाइए और बताइए कि पेडिकल पतले होते हैं और वो साइड टू साइड फ्लैटेंड होते हैं, कमजोर टाइप के पेडिकल्स होते हैं, उतने मजबूत नहीं होते जितने सर्वाइकल या लंबर वर्टिब्री में होते हैं। इसके बाद आप आइए और ये जो पेडिकल है ये भी बताइए कि पेडिकल डायरेक्टली पीछे की तरफ पॉइंट करते हैं, सर्वाइकल में वो पोस्ट्रोलैटरली पॉइंट करते हैं, पर ये थोरेसिक में वो पीछे की तरफ जाते हैं, और उसी के फलस्वरूप जो ये वर्टिब्रल फोरामिना है जहाँ मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ वो गोल होता है, जबकि हमने सर्वाइकल में देखा था कि वो ट्रायंगुलर वर्टिब्रल फोरामिन। हाँ, तो उसका रीजन अगर वो पूछे एग्जामिनर कि थोरेसिक वर्टिब्रा में नैरो क्यों होता है और वो सर्कुलर क्यों होता है, तो आप कहिए पेडिकल पीछे की तरफ डायरेक्टेड हैं और नैरो इसलिए है कि वो उसमें से बहुत ही नैरो स्पाइनल कार्ड जाती है और पेडिकल इसीलिए डायरेक्टली पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, आई मीन टू से पॉइंट करते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि आप लेमिना की तरफ देखिए और बताइए कि लेमिना के ये जो टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके लेमिना में क्या दिखता है। आप बताइए लेमिना स्ट्रांग होते हैं, थोरेसिक वो सर्वाइकल वर्टिब्रा की तरह बहुत थिन नहीं होते, जो कि बहुत ही थिन होते हैं सर्वाइकल। यहाँ पर लेमिना जहाँ मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ वो थिक लेमिना आपको नज़र आएंगे। फिर आप बताइए कि इसमें जो प्रोसेस हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक बताइए, जैसे कि सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट जहाँ मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ उसमें जो आर्टिकुलर फेसेट है उसका डायरेक्शन वो किस तरफ फेस करता है, पोस्ट्रोलैटरली, वो पोस्ट्रोलैटरली डायरेक्शन में फेस करता है। इस वाले डायग्राम में भी देखिए ब्लू कलर से आर्टिकुलर फेसेट हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर और ये पोस्ट्रोलैटरली दोनों ही फेस करते हैं। और उसी तरह आप नीचे की तरफ बता सकते हो कि जो इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट हैं वो एंट्रोलैटरली फेस करेंगे, वो एंट्रोलैटरली फेस करेंगे। फिर आप बता सकते हैं दूसरी प्रोसेस पे अगर हम चलें तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के बारे में दिखाइए कि टिपिकल जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस छोटी किंतु टिप के पास मोटी होती है और उसकी एंटीरियर सरफेस पे ओवल फेसेट होता है, सिंगल ओवल फेसेट, ये जो ब्लू कलर में इसमें दिख रहा है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस का फेसेट है और इसे कॉस्टल फेसेट बोलते हैं, जो कि ट्यूबरकल ऑफ रिब के कारण बनता है, जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस से। फिर नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये जॉइंट जो कि ट्यूबरकल और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में है, ट्यूबरकल ऑफ रिब और ट्रांसवर्स, उस जॉइंट का क्या नाम है। आप कहिए इसका नाम है कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। फिर नेचुरली वो पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि जो हेड ऑफ द रिब और बॉडी के साथ आर्टिकुलेशन होता है उसका क्या नाम है। आप कहिए कि उसका नाम कास्टो वर्टिब्रल जॉइंट। तो इस तरह रिब दो जॉइंट बनाती है वर्टिब्रा के साथ।
एक क्वेश्चन और पूछे जा सकता है कि आप स्पाइनस प्रोसेस जो कि दो लेमिना को मिलकर बनता है उसके बारे में क्या कहेंगे। आप बताइए कि स्पाइनस प्रोसेस जो कि टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री के हैं वो सब लंबे लंबे पॉइंटेड और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री ही होती हैं। अब इसमें हम अगर लैटरल साइड से देखें तो आपको देखेंगे कि ये दो फैसेट आपको एक सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी की तरफ दिख रहा है और एक इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी के पास है। इन्हें हम डेमी फैसेट बोलते हैं जो कि हेड ऑफ द रिब्स के कारण होते हैं, कास्टो वर्टिब्रल जॉइंट के बारे में होते हैं। ये हमें सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट पोस्टोलैटरली डायरेक्ट करता हुआ दिख रहा है। उसी तरह टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ये कॉस्टल फेसेट भी दिख रहा है। उसी तरह आप बताइए कि स्पाइनस प्रोसेस टिपिकल थोरेसिक वर्टिमा बहुत लंबी होती है, टिप के पास पॉइंटेड होती है और नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, जो आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये है जो स्पाइनस प्रोसेस है वो दिख रही है। और ये बताइए कि जो ऊपर का डेमी फैसेट है जो अपर बॉर्डर वो पेडिकल की तरफ इंक्लाइंड होता है। देखिए यहाँ पर तो T8 के अंदर लगभग पेडिकल के ऊपर जा रहा है। इस तरह से आप बॉडी, पेडिकल, लेमिना और दूसरी प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस और आर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री के वो बता करके आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा के कैरेक्टर हैं, इसलिए हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा के संबंध में होगा।